ओम वंदे गौ मात्रा। मित्रों, स्वास्थ्य रक्षा से प्रभा आप सबका स्वागत करती है। मित्रों, आज हम बात करते हैं कमर दर्द, घुटने के दर्द और मोटापे के विषय में। मित्रों, इन तीनों के लिए हम आपको एक ऐसा व्यायाम बताएंगे जो आपको इन तीनों में राहत देगा और अच्छी खासी राहत देगा। मित्रों, आपने देखा होगा आज जो जीवन हम जी रहे हैं उसके कारण से जो फील्ड वर्क है जिसको हम कहेंगे वो कम हो गया है। लोग घर में बैठे बैठे अर्थात घर में जो महिलाएं काम करती हैं, कपड़े वॉशिंग मशीन में धुल जाते हैं, ना सिलबट्टा चलाना होता है ना कपड़े घिस के धोने होते हैं, तो उनके पेट को पूरा व्यायाम नहीं मिलता है। और उसके अलावा आजकल हम देखते हैं कि लोग अधिकांश चलने में बहुत आलसी हो गए हैं। कहीं भी जाना है या तो रिक्शा करेंगे या बाइक आदि किसी के सहारे भी जाएंगे, लेकिन चल के जाना लोग पसंद नहीं करते हैं या कम चलते हैं। उनको लगता है कि हमें तकलीफ हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, हमारे घुटने में दर्द है तो हम नहीं चल सकते हैं। और ऐसी बहुत सारी समस्याएं जिनके कारण वो चलना फिरना बंद कर देते हैं या नहीं चल पाते हैं। पर मित्रों, हमने एक चीज देखी है, आप यदि ध्यान दें तो आपको पता चल जाएगा, जब हम चलते हैं हम अधिकांश आगे को चलते हैं और हमारे जो पेट का भाग है वो काफ़ी बड़ा हो जाता है। आप देखिए, पीठ एकदम सपाट होती है, कई बार तो लोगों की पीठ अंदर को थोड़ी ऐसे और घुस जाती है, तो यदि पेट ज़्यादा बड़ा हो जाए तो पीठ ऐसे भी हो जाती है अंदर को, इस तरीके से ये पीठ का भाग है, पेट का भाग तो इस तरीके से हो जाता है। तो यदि आप ये पीठ, जैसे कि हम आगे चलते हैं इसलिए पीठ सपाट है, और यदि हम उल्टा चलने लग जाएं तो इसके बहुत सारे फायदे हैं। मित्रों, उल्टा चलने से पहले एक बात और बता दूं, हमारी एक प्लेलिस्ट है उदर रोग, उसमें हमने पेट मोटापे के लिए वीडियो दे रखे हैं, और हमारी दूसरी प्लेलिस्ट है मजबूत जोड़, उसमें हमने जोड़ों के कमर के से घुटने के हर जोड़ के लिए हमने वीडियो दे रखे हैं। आप उन वीडियोस को देखिए और साथ में, क्योंकि उनका सहारा आपको लेना होगा, क्योंकि उनके सहारे के बिना आप सारे काम नहीं कर पाएंगे। और साथ ही वीडियो विवरण के जो वीडियोज़ हैं उसमें कम से कम स्वास्थ्य नियम आप देखिए, ताकि आपको नियम पालन क्या करें, क्योंकि नियम पालन के बिना आप कुछ भी करने जाते हैं, या माना कि जैसे हम उल्टा चल के घुटने में आराम तो ले लेंगे लेकिन साथ में खड़े होकर पानी भी पीते रहेंगे तो समस्या का समाधान नहीं होगा। अर्थात कम से कम आप नियम पालन, थोड़ा बहुत प्राणायाम साथ में करते हैं तो आपको बहुत जल्दी लाभ होगा। करना क्या है, थोड़ा बहुत अर्थात एक घंटा कम से कम। अच्छा, अब आपको करना क्या है कि आपको उल्टा चलना है, आप घर में या बगीचे में कहीं भी चले जाइए, हम जो लोग हमेशा सीधे यूं चलते हैं आपको यूं करके चलना है। आप कहेंगे जी हम ठुक जाएंगे, आपको आगे पीछे देख के चलना होगा, आप थोड़ा ऐसे करके देख सकते हैं ताकि और लोगों को जब पता चलेगा कि आप उल्टा चलते हैं और थोड़ा आपको सहायता करेंगे, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम समझ नहीं पाते हैं, लेकिन हाँ, और कई बार हमें अच्छा नहीं लगता कि हम औरों से कुछ अलग काम कर रहे हैं। मित्रों, औरों से अलग काम करने में कोई बुराई नहीं है, बस वो लाभकारी होना चाहिए। यदि आपको लाभ होता है और देखेंगे उनको भी लाभ होगा। आपको कितनी देर चलना है, आप आधे से एक घंटा आप उल्टा चल सकते हैं, और यदि आप घर में बैठे हैं बाहर नहीं जा रहे हैं कोई बात नहीं है, आप टुकड़ों में भी इसको चल सकते हैं। करें क्या, घर में अपना जो भी कमरा है, हॉल है, जो भी जहां आपकी जगह, सोसाइटी में, जहां बिल्डिंग में, आप कहां जहां भी रहते हैं, गाँव शहर कहीं भी रहते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप जहां भी रहते हैं अपने घर में या अपनी गली में, अपने मोहल्ले में, अपनी सोसाइटी में, आप पैदल चलें, पर आप उल्टे चलें, आप सीधे ना चल के आपको उल्टा चलना है, आपका पैर पीछे जाएगा। और आप गति ना बढ़ाएं, कोई समस्या नहीं है, आप आराम से चलिए, आपको लड़खड़ाना नहीं है, आपको गिरना नहीं है। यदि आप आराम से चलते हैं आप आराम से चल पाएंगे, समस्या नहीं आएगी। बस साथ में इतना ध्यान रखिए, नियम पालन कर लेते हैं और ये करते हैं तो आप देखेंगे, यदि आप रोज आधा से एक घंटा उल्टा चलते हैं आप देखेंगे 10 दिन के भीतर आपकी कमर में, आपके घुटनों की पीड़ा में और आपके पेट में आपको कमी नजर आएगी। हर पीड़ा में और पेट के आकार में आपको कमी दिखाई देगी, और ये आपके अपने हाथ में है। और उसके अलावा आपको कोई और रोग है, क्योंकि मोटापा जो है वो रोगों की जड़ होता है, आपको कोई भी कैसा भी रोग है, हमारी बहुत सारी प्लेलिस्ट और हैं, उनमें हमने बहुत सारे वीडियोस और दिए हुए हैं, आप उन वीडियोस को देखिए, आपके रोग अनुसार आपको वीडियो मिल जाएगा। और आपको जो वीडियो मिलेगा उसमें हमने पॉइंट्स आदि बताए कि आपको कहाँ दबाना है, कैसे दबाना है, उसके साथ ही उसके विवरण में नियम पालन प्राणायाम दिया हुआ, इस वीडियो में भी दिया हुआ है, तो हर वीडियो के विवरण में नियम पालन प्राणायाम की वीडियोज़ हमने दे रखी हैं, उनको देखिए और उनके अनुसार अपनी जीवनचर्या को थोड़ा सही करिए, नियमित प्राणायाम करिए, आसन करिए, अभ्यास करिए। और यदि आप ये करते हैं तो आप देखिए आपकी हर रोग को आप ठीक कर सकते हैं, क्योंकि निर्देशों का पालन ही रोगों का समाधान होता है। और कोई प्रश्न है तो टिप्पणी वीडियो पर करिए, उत्तर आपको जल्दी मिल जाएगा। धन्यवाद। वंदे मातरम।